अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा के सहयोगी मशहूर पत्थर व्यवसायी कृष्णा शाह से रांची क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ हो रही है। पंकज मिश्रा के काफी करीबी बताए जाने वाले मशहूर पत्थर व्यवसायी भगवान भगत और कृष्णा शाह, जिन्होंने पंकज मिश्रा के इशारे पर अवैध पत्थर का उत्खनन कर करोड़ों रुपए का घोटाला किया। माफी से ज्यादा नहीं अभी तक। कोयला, पत्थर और बालू के अवैध खनन और ट्रांसपोर्टिंग रोकने के उद्देश्य से धनबाद जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपायुक्त के अलावा एसपी रिश्मा रमेशन, डीएमओ मिहिर सालकर, बीसीसीएल डीटी, सीआईएसएफ डीआईजी समेत सभी डीएसपी सीओ के अलावा तमाम थाना प्रभारी मौजूद रहे। टास्क फोर्स की बैठक में बीसीसीएल के अलग अलग एरिया और उसके आउटसोर्सिंग कंपनियों से हो रहे बड़े पैमाने पर कोयला चोरी पर लगाम लगाने को लेकर उपायुक्त ने आदेश दिया। सीओ को अवैध खनन ट्रांसपोर्टिंग रोकने के लिए उपायुक्त ने कड़े निर्देश दिए। 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। जहाँ जहाँ से शिकायतें आती हैं लीगल माइनिंग की, लीगल ट्रांसपोर्ट की या माइनिंग एरियाज में अनऑथराइज लोगों की एंट्री की, तो उसमें सूचना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई। एक जनरल डिफॉल्ट डायरेक्शन सभी को है कि जहाँ पर भी खनन नियमों का उल्लंघन होता है तो FIR एक स्टैंडर्ड SOP हम लोगों ने निर्धारित किया है। अनिवार्य रूप से मामले में FIR दर्ज हो, जहाँ तक संभव हो नामजद FIR दर्ज हो, घटना के विवरण के साथ में FIR दर्ज हो, और ताकि उसमें फिर आगे जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जा सके। BCCL से और ECL से कुछ जानकारी हम लोगों को, विलीज एरिया के मैप्स हैं या ज़मीन का जो विवरण है, मौके पर वो लोकेटेड कहाँ पर है, उससे संबंधित जानकारी वगैरह चाहिए थी, तो वो हम लोगों ने मांगा था, उनके द्वारा उपलब्ध भी करा दिया गया है। सर्वेलेंस की जो व्यवस्था है, चाहे वो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हों, चाहे वो BCCL या ECL के अपनी सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो, जिसमें CCTV है, बूम बैरियर्स हैं, उनके व्हीकल हों जिन पे कि कैमरा माउंटेड हो, ताकि अगर उनके क्षेत्र में किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके साक्ष्य हमको उपलब्ध करा सकें, तो उसके लिए गत बैठकों में निर्देश दिए गए थे। और जैसा कि BCCL ने आज सूचित किया है कि कईयों में उनके द्वारा कार्यवाही शुरू की गई है, रिक्वायरमेंट वगैरह स्टार्ट किया गया है। पाकुड़ के खालूपाड़ा गांव के झाड़ियों में 18 वर्षीय लड़की का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। इसकी जानकारी तब मिली जब गाँव के कुछ लड़के गाय चराने के लिए गए थे। जैसे ही लड़की का शव पेड़ पर लटकता हुआ दिखा तो परिजनों को इसकी खबर दी, फिर तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच पड़ताल की, उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं SI अनिल कुमार सिंह ने बताया कि फांसी लगाने से उसकी मृत्यु हुई है, फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी। महेशपुर थाना अंतर्गत ग्राम कालूबेरा में मृतक रिंकी पहाड़ी, उम्र 18 बरस, पिता दुर्गा पहाड़िया, साकिन कालूबेड़ा थाना महेशपुर जिला पाकुड़, को फांसी लगाने से मृत्यु हो गया, जिसको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल। कोडरमा के तिलैया डैम ब्रिज के पास लावारिस अवस्था में एक छात्रा का कॉलेज बैग और एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कॉलेज बैग से मिले ID कार्ड के अनुसार छात्रा का नाम सुन्नू कुमारी है और वह वुमेन्स कॉलेज कोडरमा के सेमेस्टर 1 की भूगोल की छात्रा है। इसके साथ ही बैग के पास से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें छात्रा ने अपने पिता और मामी के मोबाइल नंबर का जिक्र करते हुए लिखा है कि जिन्हें भी यह सुसाइड नोट मिले वह इस नंबर पर सूचना दे। साथ ही छात्रा ने सुसाइड नोट में तिलैया डैम में कूदकर जान देने की बात भी लिखी है। तिलैया डैम OP प्रभारी अमृता खलको पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंची और छात्रा के संबंध में आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि छात्रा ने आत्महत्या की है या नहीं इस बात की पुष्टि अभी पुलिस नहीं कर रही। परीक्षा देने जे कॉलेज पढ़ती थी। अच्छा, कॉलेज बराबर जाती थी वो? नहीं। क्या बात हुआ था क्या आपके घर में? कुछ नहीं, कहीं कुछ लड़का लड़का से
वही नाम जो लिखा है चंदन का, वही से उसी से बात कुछ चलता था। चंदन से अफेयर चल रहा था। कौन है चंदन? अफेयर कंफर्म थोड़ी ना, कैसे पता नहीं चंदन कौन है? आप लोग चंदन को कैसे जानते हैं? चंदन भैया की तिलैया डैम ओवर ब्रिज से जो है एक लड़की का पर्स मिला है, जिसका आई कार्ड वगैरह मिला एवं एक दुपट्टा मिला। वेरीफाई के लिए वहां पर गए तो लड़की का नाम पता चला सोनू कुमारी है, और लड़की बीए पार्ट वन में पढ़ाई कर रही है। अपने स्तर से हम लोग खोजबीन किए, गोताखोर के माध्यम से भी हम लोग देखे, वहां पर जो है लड़की का जूता चप्पल हम लोग को बरामद नहीं हुआ, और सीसीटीवी फुटेज सैनिक स्कूल का हम लोग चेक किए, उसके आधार पर वेरीफाई नहीं कर पाए हम लोग को जहाँ तक संभव है कि लड़की जो है डैम में नहीं डूबी है। चंदवा थाना के हेसालों गांव में परिवार के लोग ही एक महिला को अन्य पुरुष के साथ प्रेम प्रसंग होने के शक में हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि डायन बिसाही के आरोप में महिला के पति लातेहार जेल में बंद है। मृतक की सास भैसुर और नंदोई ने महिला की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी है और उसे आत्महत्या का आरोप दे दिया है। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में तीन लोगों को लातेहार जेल भेजा। शक का एक आरोप है कि इनका कहीं अन्यत्र किसी लड़के के साथ अवैध संबंध ये करते हैं। इसी शक को लेकर के वो समझाने का बार बार प्रयास कर रही थी कि वो मानने को तैयार नहीं थी उनके अनुसार, और इसी शक को लेकर के वो बराबर झगड़ा करती थी। और एक दिन ये उनका एक योजनाबद्ध तरीके से मृतिका के सास सुकरी देवी, उनका भैसूर ब्रजकिशोर मुंडा और ननद के पति वीरू मुंडा के द्वारा एक योजना बनाया गया, और दिनांक 1/7/23 की रात्रि को उसको गला घोट करके फांसी से लटका दिया गया, और इसे पुलिस को और आम लोगों को गुमराह करने के लिए एक फांसी का रूप दे दिया गया। पुलिस इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार की है, तीनों लोगों ने अपने अपराध स्वीकार। जामताड़ा जिले में 16 लाख रुपए कैश के साथ 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बीती रात प्रशिक्षु आईपीएस राकेश सिंह के नेतृत्व में नारायणपुर थाना अंतर्गत मदना डीआर बिस्टोपुर और कर्माटांड थाना क्षेत्र के सतुआटांड गांव में छापेमारी हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों में कर्माटांड थाना क्षेत्र के सतुआटांड गांव के रियाज अंसारी, सियाटांड गांव के विनोद मंडल, शंभुनाथ मंडल, लक्ष्मण दत्ता और मिलन शामिल हैं। इनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम और 16,038 रुपए नगद जब्त किए गए। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि ये साइबर अपराधी फर्ज बिजली अधिकारी बनकर लोगों को बकाया बिजली बिल का मैसेज भेजकर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। हम लोगों को गुप्त सूचना मिला था कि नारायणपुर और कर्मतान के कुछ एरियाज पे साइबर क्रिमिनल एक्टिवली काम कर रहे हैं। जब सूचना मिला हम लोग एएसपी साहब थाना प्रभारी कर्मातान के नेतृत्व पे एक टीम का गठन किया था, जिसमें साइबर थाना प्रभारी मनोज कुमार, उसके साथ पुनी संजय कुमार नारायणपुर सर्कल के इंस्पेक्टर, कर्मातान एवं नारायणपुर के काफ़ी जो अच्छे सब इंस्पेक्टर थे उनके साथ में एक टीम गठन किया गया था, और इन टीम ने रेड करके करीब 5 लोगों को पकड़ाया है। पाकुड़ में एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने अपने कार्यालय कक्ष में पुलिस निरीक्षक और थाना प्रभारी के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की, जिसमें पिछले महीने हुए आपराधिक घटनाओं का विश्लेषण हुआ, साथ ही कितनी घटनाओं का उद्भेदन किया गया है उसका भी विश्लेषण हुआ। मौके पर एसडीपीओ अजीत कुमार ने बताया कि पाकुड़ में हो रही चोरी की रोकथाम को लेकर पुलिस लगातार कार्य कर रही है और बाकी गैंग को भी जल्द पकड़ा जाएगा। मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है, पाकुड़ अनुमंडल के सभी थाना के थाना प्रभारी और अच्छे निरीक्षक आए हुए हैं, और विगत माह हुए टाइम पर का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, और उसके उद्भेदन कितने कांडों का हुआ उसका भी विश्लेषण करेंगे, और जो बाकी है उसके उद्भेदन के लिए हम लोग टीम भी बनाएंगे। जैसे चोरी की कांड इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उस पर हमारी टीम ने सफलता भी पाई है, उसमें हम लोग एक गैंग को डिटेक्ट किए हैं और बहुत सारे सामान सामग्री चोरी के हम लोग उसमें रिकवर करने में सफलता प्राप्त किया है। अभी एक गैंग पे हम लोग और भी काम कर रहे हैं, बहुत जल्द उस गैंग का भी खुलासा हो जाएगा, और विश्वास है कि क्षेत्र में हमारा चोरी बिल्कुल बंद हो जाएगा। हम वही थाना प्रभारी को आज सबको इतला भी दे रहे हैं कि आप अपना अपराध की गश्ती यही से भी बढ़ाएँ, ताकि कोई भी अवांछनीय तत्व रास्ते में आपको मिले उसका सत्यापन करें, ताकि चोरी की घटनाओं